Good morning, students. Good morning, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. Unacademy के YouTube channel Let's Crack UPSC CSE में आप सभी लोगों का special स्वागत. आज के current affairs के session में we are going to see the crucial and relevant news from the Hindu, the Indian Express and Live Mint from the perspective of UPSC and other competition exams. Yes, good morning students, good morning everyone, namaskar, jai hind, I hope I am audible and visible. चलिए शुरू करते हैं students आज का session. This is about me. This is Dr. Anurag, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring, past 8 to 10 months in online mentoring upon the Unacademy platform. In UPSC, I have appeared twice for the personality test, 4 attempts, 4 mains, 2 bar personality test, 2007, I missed by 2 marks. The final selection, I was there in the reserve list of UPSC. I have also worked as Assistant Commissioner of Sales Tax in the state services for 3 years. Before resigning from the service to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants, जो सफलतापूर्वक मैं कर रहा हूँ पिछले एक डिकेड से. टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुराग अंडरस्कोर सिंह, जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए. और मैं एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सब्सक्राइब ईदर अपॉन द प्लस और अपॉन द आइकनिक प्लेटफॉर्म. प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट. वहीं आइकनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर मिलेगा. अलॉन्ग विद दैट अ पर्सनल कोच विल बी असाइन टू यू फॉर डेली डाउट क्लैरिफिकेशन एंड डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. और ये देखिए, टॉप एजुकेटर्स टेकिंग द प्लस कोर्सेज अपॉन द प्लेटफॉर्म. और स्टूडेंट्स, ये प्लस और आइकनिक का ये देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान्स, इट्स अवेलेबल आउट हियर. Use referral code Anurag to get a 10% off upon these plans. So flexible plans से आप अपने हिसाब से choose कर लीजिए. And also get my notes, booklets and PDF free of cost. आप मेरे WhatsApp group पे जुड़ जाइएगा once you use this referral code. And you can also pay this amount in installments, EMIs. And students, you can see it here. अभी चल रहा है 4-in-1 offer. 4-in-1 offer नहीं, मैं बोलूँगा 5-in-1 offer. इसका मतलब क्या है, दैट अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अभी 12 मई के पहले, दैट इज बिफोर वेडनेसडे, यू आर गोइंग टू गेट सर्टन एडवांटेजेस. फर्स्ट पॉइंट, प्रिंटेड नोट्स वर्थ ₹10,000, ये फिजिकल शिपिंग हो जाएगा आपके घर पे. मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, दैट इज 2 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन. थर्ड, लोन्स फॉर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन. एंड फोर्थ, 10% डिस्काउंट. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर अभी आप दिस क्या कहते हैं GS प्लस ऑप्शनल का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कॉम्बो पैक, या आइकनिक जीएस का और ऑप्शनल का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू आर गोइंग टू गेट 25% ऑफ. तो 25% ऑफ तो मिलेगा ही, प्लस 10% ऑफ रेफरल कोड यूज करने पे. सो यू कैन गो फॉर इट नाउ बिफोर 12th में. और स्टूडेंट्स, ये देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर, सो दिस इज, दीज आर द प्लस कोर्सेज, 1 ईयर, 2 ईयर एंड एनसीईआरटी बैच कोर्सेज जो अभी शुरू हो रहे हैं 12 मई से. एंड ये देखिए, फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी राइज, पाथफाइंडर एंड वर्ल्ड अफेयर्स, यूज रेफरल कोड अनुराग टू अनलॉक दीज फ्री टेस्ट सीरीज, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 प्रीलिम्स. स्टूडेंट्स, लास्टली अनअकैडमी कॉम्बैट, आपको पता है एवरी संडे 11 AM इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. यूज रेफरल कोड अनुराग टू अनलॉक इट एंड अपियर फॉर इट एंड विन स्कॉलरशिप प्राइजेज वर्थ फ्रॉम अ पूल वर्थ ₹4 करोड़. ये देखिए, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन. यस यस, दिस इज माय प्रोफाइल लिंक, अनुराग IMS अपॉन द अनअकैडमी ऐप, इसको फॉलो कीजिए. शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे फिजिकल ज्योग्राफी की सेशंस चल रही हैं, अभी जियोमॉर्फोलॉजी शुरू हुआ है स्टूडेंट्स. तो मंडे टू फ्राइडे आप फिजिकल ज्योग्राफी फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास, यू कैन अटेंड इट. ओके ओके, चलिए इकोनॉमिक सर्वे पे मैं सेशन ले रहा हूँ एवरी सैटरडे. ओके, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन. न्यूज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूजिंग डीकोड इंटरलिंक अप्रोच. आज है 10 मई, डीकोड इंटरलिंक अप्रोच फॉर द मेंस एंड यस 360 डिग्री अप्रोच फॉर द प्रीलिम्स. हम देखेंगे कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं, फ्रॉम वेयर कैन द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस न्यूज ऑफ टुडे. तो टेक आउट एटलस, हमें स्टडी करना है न्यूज को, एटलस निकालना जरूरी है.
जीएस पेपर 1, 2, 3 मेंस का सिलेबस निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, 3-4 कलर के पेन निकाल लीजिए और 2 नोटबुक निकाल लीजिए, 1 न्यूज का और 1 एडिटोरियल का। चलिए निकल चलते हैं आज का सेशन देखने के लिए। द फर्स्ट न्यूज विच इज कमिंग अप ऑन द स्क्रीन इज यू कैन सी हियर दिस चाइना रॉकेट डेब्रिस फॉल्स इन इंडियन ओशन नियर मालदीव्स। नासा स्लैम्स बीजिंग फॉर फेलिंग टू मीट रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड्स। तो चाइना का रॉकेट डेब्रिस जो अगर कोई सैटेलाइट या कोई भी कंपोनेंट स्पेस स्टेशन का लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट हेल्प्स इट इन द लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट एंड द स्पेस स्टेशंस। और वही रॉकेट का जो रेमिनेंट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है रॉकेट का, वो छूट कर वापस आकर गिरता है पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ। But this happens when it is being launched. So the stage of the rocket which boost, एक booster stage होता है जो boost करता है velocity, this क्या कहते हैं, इस पूरे vehicle में, वो वापस आकर गिरता है। So this is completely, ध्यान दीजिएगा, ये जो stage वापस आकर गिरता है पृथ्वी पर, it's completely आप कह सकते हैं ये managed तरीके से इसका fall कराया जाता है, managed, yes। यानी क्या कहते हैं, दिस इट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड फॉलिंग बैक ऑफ द डेब्रिस। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन चाइना का ये रॉकेट का जो डेब्रिस है, डेब्रिस मींस जो वेस्ट है, ठीक है, ये वापस आकर गिरा है अनकंट्रोल्ड, मालदीव्स के पास गिरा। ये देखिए मालदीव्स के पास, ये देखिए इंडियन ओशन में, यहां पे इस जगह पे फॉल किया, दिस इज द मालदीव्स आइलैंड्स। ये देखिए, ये इंडिया हमारा कंट्री, और यहां पे आकर फॉल किया है। इट वॉज वेरी डेंजरस फॉल ये कहा जा रहा है, इसलिए यूएस ने स्लैम किया है चाइना को कि क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। यस, गुड मॉर्निंग। तो आई सपोज आपको ये न्यूज समझ में आ रहा है, टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। देखिए ये द इंडियन एक्सप्रेस में सेम न्यूज, रेमनेंट्स ऑफ चाइनाज बिगेस्ट रॉकेट लैंडेड इन द इंडियन ओशन ऑन संडे with most of it components destroyed upon re-entry into the atmosphere. तो वापस जब atmosphere में re-entry करेगा ना students, कुछ भी, ठीक है, तो ये देखिए, जैसे ही ये देखिए आप यहाँ पे stand कर रहे हैं, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, वापस rocket re-entry किया, maximum rocket के parts जल जाते हैं because of friction in the air. Yes, friction, ये gravity के कारण जो ये attraction होता है towards the earth, और रास्ते में जो एयर का फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, उसके कारण मैक्सिमम दिस दे कैच फायर एंड दे बर्न मिड एयर। तो दिस क्या कहते हैं, यहां देखिए लिखा हुआ है द लॉन्ग मार्च रॉकेट 5B Y2 वाज लॉन्च ऑन अप्रैल 29। इसी का ये रॉकेट डेब्रिस है। अब आप बोलिएगा कि सर ये रॉकेट लॉन्च क्यों किया गया था, इसका एम क्या था रॉकेट लॉन्च करने का। सुना होगा आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगाने के लिए चाइना एम कर रहा था। ये देखिए यहाँ पे, इट्स आउट हियर, दिस न्यू तिहान है स्पेस स्टेशन। ये देखिए न्यू तिहान है स्पेस स्टेशन, ये लॉन्च करने के लिए ये रॉकेट भेजा गया था, नाम था लॉन्ग मार्च 5B। ये देखिए, ठीक है, लॉन्ग मार्च 5B, और वापस ये रॉकेट एंट्री किया है बिल्कुल अनकंट्रोल्ड एंट्री। ये देखिए, व्हाट इज अनकंट्रोल्ड री एंट्री, द डेब्रिस केम फ्रॉम द अपर स्टेज ऑफ द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, चाइनाज लार्जेस्ट, ठीक है। और जब रॉकेट लॉन्च होता है, इट्स डिस्कार्डेड बूस्टर स्टेज री एंटर्स द एटमोस्फियर, मैंने कहा ना बूस्टर स्टेज, और उसे कंट्रोल्ड री एंट्री कराकर उसे अनइनहैबिटेड एरिया, अनपॉपुलेटेड एरिया में फॉल बैक कराया जाता है। लेकिन इस बार अनकंट्रोल्ड हो गया सब कुछ, और यही वजह था यूएस की मिलिट्री ट्रैक कर रही थी कि कहां है ये रॉकेट री एंट्री के बाद, और हो सकता था एक बड़ा डिजास्टर अकर करता। एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अनकंट्रोल्ड री एंट्री, हो सकता है ये किसी सिटी के ऊपर गिरता, हो सकता है ये किसी बड़े आइलैंड के ऊपर गिरता, तब क्या कंडीशन होती, यू कैन इमेजिन, इट वॉज गोइंग टू बी अ बिग डिजास्टर। और आप बोलिएगा कि ठीक है, दिस क्या कहते हैं सर, ये क्या ऐसा पहले भी हुआ था क्या? यस,
जब भी हुआ है चाइना के साथ हुआ है ऐसा, ठीक है। ये देखिए, इन मे लास्ट ईयर पीसेस फ्रॉम अनदर लॉन्ग मार्च रॉकेट, चाइना का ही रॉकेट लॉन्ग मार्च, क्रैश्ड ऑन आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट ये देखिए, आइवरी कोस्ट एक कंट्री है अफ्रीका में, ये देखिए अफ्रीका की कंट्री में दिखा रहा हूं आपको कहां पे। दो मिनट रुकिए, आज बहुत मैपिंग के भी न्यूज है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आइवरी कोस्ट, ये देखिए अफ्रीका में, यहां पे कोस्ट पे आकर गिरा था, देखिए लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च रॉकेट, लॉन्ग मार्च, ये देखिए। डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स देयर शुड बी अ पीसफुल यूसेज ऑफ द स्पेस? डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स देयर शुड बी अ कंप्लीटली, आपको एक एक क्या कहते हैं, एक प्रोटोकॉल लाना जरूरी है फील्ड में। स्पेस का इस्तेमाल जिसको मन कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। और तरीके से देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक होता है तरीके से इस्तेमाल करना, एक होता है तरीका नहीं है इस्तेमाल करने का, प्रॉब्लम हो सकता है आगे चलकर। और आप बोलिएगा सर क्या इसके अलावा और किसी के साथ हुआ था ऐसा? यस, स्पेस एक्स रॉकेट, स्पेस एक्स रॉकेट, अच्छा उसके साथ भी हुआ। यस, ये देखिए, इन मार्च दिस ईयर द स्पेस एक्स रॉकेट स्टेज टू मेड अनकंट्रोल्ड एंट्री इनटू यूएस। यूएस में एक है वॉशिंगटन स्टेट, वहां पे स्पेस एक्स, ठीक है, उसका रॉकेट आकर वॉशिंगटन स्टेट पे गिरा। ये देखिए स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट वॉशिंगटन स्टेट, जहां पे एक सिटी है फेमस सिएटल, सुना होगा आपने। यस यस, ओशनिक पॉल्यूशन तो हुआ ही है स्टूडेंट्स, बट डोंट यू थिंक इससे एक बड़ा डिजास्टर भी हो सकता था अगर सिटीज वगैरह पे कहीं फॉल करता तो? यस, मालदीव्स के जस्ट वेस्ट में फॉल किया है। एंड दिस नीड्स, दिस कंप्लीट एक्सीडेंट नीड्स टू बी फोकस्ड अपॉन। वी नीड टू रिविजिट द समथिंग कॉल्ड एज आउटर स्पेस ट्रीटी। एग्री कर रहे स्टूडेंट्स? टेल मी, वी नीड टू रिविजिट आउटर स्पेस ट्रीटी, जो बात पहले साइन किया गया था, हमें आउटर स्पेस ट्रीटी फिर से रिविजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और यही नहीं, हमें एक नया प्रोटोकॉल लाना पड़ेगा, न्यू प्रोटोकॉल हैज टू बी ब्रॉट इन प्लेस फॉर पीसफुल यूज ऑफ स्पेस। एग्री कर रहे हैं? पीसफुल एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ स्पेस। ये देखिए, ये बहुत जरूरी है, पीसफुल एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ स्पेस इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स? टेल मी इन द चैट बॉक्स। नहीं देखिए, अभी तो एक मॉड्यूल डाला गया हुआ स्पेस स्टेशन में, ठीक है, अभी एडअप किया जाएगा। एक साथ स्पेस स्टेशन कभी नहीं जाता है, एक छोटा सा मॉड्यूल भेजा गया है, बिगिनर मॉड्यूल, ठीक है। तो आप बोलेगा ठीक है सर, क्या आउटर स्पेस ट्रीटी रिविजिट करना है? यस, बिल्कुल रिविजिट करना है, पूरे वर्ल्ड को एक बार आना चाहिए, जिस क्या कहते हैं, एक जगह पर डिस्कशन करने के लिए। ये पहला न्यूज है, ठीक है। तो आप बोलेगा सर आउटर स्पेस ट्रीटी क्या साइन हुआ था पहले? 1967 इट वॉज साइंड, लेट मी टेल यू, 1967 इट वॉज साइंड आउटर स्पेस ट्रीटी, ठीक है। इसे स्पेस लॉ भी कहते हैं, स्पेस लॉ, ठीक है। ये इस ट्रीटी का नाम क्या, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल्स गवर्निंग, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल्स गवर्निंग, प्रिंसिपल्स गवर्निंग, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन एक्सप्लोरेशन of outer space, including moon and other celestial bodies, yes, and other celestial bodies, that is planets और बाकी जो भी bodies के ऊपर, जिस क्या कहते हैं, जो भी launch हो रहे हैं rockets वगैरह search करने के लिए, explore करने के लिए, इसे space law कहते हैं। अच्छा ये बताइए students, ठीक है, ये बताइए, क्या ये space law उस समय की कंडीशंस और आज की कंडीशंस में जमीन आसमान का फर्क है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आर देयर मैसिव वेरिएशंस इन द कंडीशंस इन 1967 एंड इन 2021? टेल मी, यस देयर आर मैसिव डिफरेंसेस। ये देखिए, उस समय स्पेस लॉ का नाम था
principles governing the activities of states in exploring the outer space. उस समय explorations चल रहे थे planets को लेकर, yes, moon को लेकर, ठीक है. उस समय किसी का focus नहीं था space station का, उस समय किसी का focus नहीं था satellites launching पे. आज बिल्कुल अलग conditions हैं. आज की conditions बहुत challenging हो गई है. आज इंसान वहां पर जाकर space में रहने की बात कर रहा है. ये देखिए, टुडेज कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट. कंडीशंस ऑफ टुडे ये देखिए, जो आज बिल्कुल अलग हैं. फर्स्ट ये देखिए, स्पेस स्टेशन आर बीइंग लॉन्च्ड, ठीक है. सेकंड, न्यू सैटेलाइट्स बीइंग लॉन्च्ड एवरी ईयर बाय ऑल द कंट्रीज, बीइंग लॉन्च्ड एवरी ईयर बाय ऑल द कंट्रीज. ये देखिए थर्ड पॉइंट, दिस क्या कहते हैं, जीपीएस सिस्टम यानी नेविगेशन सिस्टम लॉन्च्ड बाय ऑल द कंट्रीज, जो सुपर पावर्स हैं, नेविगेशन सिस्टम. ये देखिए फोर्थ पॉइंट दिस एक्सप्लोरिंग फॉर लाइफ इन द स्पेस. बिल्कुल ये ऐसे चैलेंज, ऐसी चीजें जो पहले सोचा भी नहीं गया था वो आज चल रहा है. और आपको नहीं लगता स्टूडेंट्स की अगर ऐसी कंडीशंस चेंज हो रही है, स्पेस स्टेशंस की बात चल रही है, न्यू सैटेलाइट्स हर रोज लॉन्च हो रहे हैं, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम लॉन्च हुआ है सब सारे कंट्रीज का, सुपर पावर्स का, लाइफ के लिए एक्सप्लोरेशन चल रहा है. फिफ्थ पॉइंट ध्यान दीजिए, सुपर अर्थ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है. न्यू ब्लैक होल्स डिस्कवर किए जा रहे हैं, ठीक है, न्यू डिस्कवरीज. डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स दैट वी नीड अ स्ट्रिक्ट ट्रीटी नाउ, स्ट्रिक्ट ट्रीटी जो ये सारी चीजें गवर्न करें. यस. नमस्कार स्टूडेंट्स, जुड़ जाइए, शायद आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. वी नीड टू रीविजिट द आउटर स्पेस ट्रीटी, यस, कंक्लूजन यही है. एंड ध्यान दीजिएगा उस स्पेस ट्रीटी में हमें लॉन्चिंग का तरीका भी और री एंट्री का तरीका भी उसमें डालना पड़ेगा प्रोटोकॉल में, उस नए ट्रीटी में, उस नए एग्रीमेंट में. बहुत जल्द ये एग्रीमेंट करना जरूरी हो गया है अब, ठीक है. यस. गुड मॉर्निंग. तो ये सवाल लिख लीजिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ पे, ठीक है, एक सवाल बनता है. एग्जामिन द नीड ऑफ रीविजिटिंग एंड रीफॉर्मुलेटिंग द आउटर स्पेस ट्रीटी, द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967. मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इस पे एडिटोरियल्स आए थे पिछले दो साल से लगातार आ रहे हैं, द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967. कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज पे, लेकिन ये जरूरी पड़ गया है अब इस पे डिस्कशन करना. ये देखिए, एग्जामिन द नीड ऑफ रीविजिटिंग एंड रीफॉर्मुलेटिंग द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967. रीविजिट करना, रिविजिट का मतलब क्या होता है, दोबारा देखना है क्या क्या कमियां हैं. रीफॉर्मुलेट करना है, रीफॉर्मुलेट, नई नई चीजें ऐड करनी है. आज की कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं पुराने समय से. ये देखिए, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे इस न्यूज से एक सवाल निकल रहा है. मैंने सवाल तो दे दिया आपको, आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन, ओके, आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गॉट इट. क्या ये क्वेश्चन नोट किया आपने? तो ये देखिए, अरे ये क्या कहते हैं, दिस सुपर अर्थ इज आउटसाइड अवर सोलार सिस्टम इट इज फाउंड, ठीक है. सुपर अर्थ का मतलब होता है सोलार सिस्टम, एक्स्ट्रा सोलार प्लैनेट, ठीक है, हमारे सोलार सिस्टम के बाहर खोजा गया कोई प्लैनेट जिसका मास अर्थ से कहीं ज्यादा, ठीक है, कहीं ज्यादा बड़ा है और लेकिन बाकी प्लैनेट से कम है, जो बड़े प्लैनेट है हमारे सोलार सिस्टम की, दैट्स इट, ठीक है. तो ये देखिए, फाइव रीजंस टू रीविजिट. फर्स्ट, स्पेस स्टेशंस have become very common nowadays. Second, new satellites being launched every year by all the countries. इसी बार मार्स के ऊपर देखिए ना, मार्स के ऊपर कैसे कैसे मिशन लॉन्च किए गए. थर्ड, नेविगेशन सिस्टम, दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है.
फोर्थ एक्सप्लोरेशन फॉर लाइफ हैज़ बिकम मोर मोर प्रोएक्टिव, ठीक है, एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं लाइफ के लिए, पहले प्लैनेट्स खोजे जा रहे थे, अब लाइफ खोजा जा रहा है प्लैनेट्स पे, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ सुपर अर्थ, न्यू डिस्कवरीज, ये सब चीज को लेकर एक नया ट्रीटी तो बनता है। पहले की ट्रीटी थी, मैंने अभी तो डिस्कस किया आउटर स्पेस ट्रीटी, भाई अभी तो मैंने डिस्कस किया 1967 स्पेस लॉ प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ द, इसका फुल देखिए फोकस, प्रिंसिपल गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून, ठीक है, दैट्स इट। 1967 मून पे लॉन्च, नील आर्मस्ट्रांग, उसकी जस्ट पहले की बात है, ये ट्रीटी साइन किया गया था। यस यस स्पेस कॉलोनाइजेशन, यस स्पेस स्पेस कॉलोनाइजेशन, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण हमें नया ट्रीटी बनाना पड़ेगा। एंड क्या प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो रही है स्पेस में, टेल मी, प्राइवेट सेक्टर, स्पेसएक्स, ये देखिए, क्या हमें इसके लिए नया ट्रीटी बनाना पड़ेगा, ये देखिए, ये सेवेंथ पॉइंट, एट्थ पॉइंट, ये देखिए, प्राइवेट सेक्टर एंट्री इनटू स्पेस, वी नीड अ न्यू ट्रीटी, ये देखिए। फाइल कैसे करेंगे भाई, कि कहाँ जाकर फाइल करेंगे, ठीक है, अब इसमें, अब अंत में ध्यान दीजिए, इस न्यूज़ को कहाँ इंटरलिंक करना है, दैट पीसफुल यूज़ ऑफ स्पेस के लिए ऐसे एक्टिविटीज़ काउंटर करने पड़ेंगे, ये नया कोल्ड वॉर है, एग्री कर रहे हैं, न्यू कोल्ड वॉर। ऑल्सो मराइन पॉल्यूशन का क्लासिकल एग्जाम्पल जो आपने अभी देखा, एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए मराइन पॉल्यूशन, ये देखिए इतनी ज्यादा मराइन बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ा होगा, इमेजिन कीजिए आप, कोरल रीफ, मालदीव्स के आसपास कोरल रीफ हैं, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, कोरल रीफ्स आर फाउंड नियर मालदीव्स, ये देखिए कितना वहां पे क्या कहते हैं फूड चेन एंड फूड वेब डिस्ट्रॉय हुआ होगा, सोचिए, ये देखिए। इट्स अ डिजास्टर। और आपका प्रीलिम्स के लिए होमवर्क है, देखिए 360 डिग्री अप्रोच फॉर द प्रीलिम्स, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 आपको सर्च करना है, वही जो मैंने यहां बताया यहां पे, ठीक है, बस इतना ही काफी है, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, इसका फुल फोकस क्या था ये देखिए यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाए, यू कैन लिंक इट विद SDGs, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कोई भी नया ट्रीटी साइन करने का मतलब होता है ग्लोबल पार्टनरशिप, यस, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, SDG नंबर 17, ये नया पार्टनरशिप चाहिए हमें स्पेस का सटीक इस्तेमाल करने के लिए, सस्टेनेबल यूज करने के लिए, दैट्स इट, सेकंड न्यूज ऑफ टुडे, लेट शिफ्ट, ठीक है, सेकंड न्यूज ऑफ टुडे, ग्रीन पैनल अलाउज ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस, ग्रेट निकोबार प्लान, आई हैड टॉट दिस टॉपिक इन द मंथ ऑफ फरवरी, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर द टॉपिक, बता देंगे ऑर्डिनेंस का आएगा न्यूज आजकल में, जरूर बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है, यस, वो यूएन का ट्रीटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी, ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रेट निकोबार प्लान देखिए फरवरी में आया था, ठीक है, ये देखिए फरवरी में आया था, नीति आयोग विजन फॉर ग्रेट निकोबार इग्नोर ट्राइबल एंड इकोलॉजिकल कंसर्न, ये देखिए The Wildlife Board denotifies Galathea Bay Sanctuary to build port and trade zone. ये देखिए अंडमान निकोबार, have a look upon this map. ये देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड, इसमें सबसे लास्ट पॉइंट ग्रेट निकोबार, एटलस में मार्क कर लीजिए, ग्रेट निकोबार इज द लास्ट पॉइंट, एग्री कर रहे हैं, टेल मी, ठीक है, ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ग्रेट निकोबार के ऊपर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये देखिए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, आई सपोज बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है पता है आप लोगों को, आई टुक दिस टॉपिक इन डिटेल इन द मंथ ऑफ फरवरी, मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे, ये देखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है, तो ध्यान दीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स क्या यहां पे ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स, टेल मी, ये देखिए ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, मींस अंडमान निकोबार आइलैंड्स में
इतने कुछ एंडेमिक एंडेमिक एनिमल्स पाए जाते हैं। एंडेमिक का मतलब होता है लोकल, जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। ये देखिए एंडेमिक। अब ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहां पे है? बे ऑफ बंगाल में, आपको भी पता है। ये देखिए, हैव अ लुक, बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में। यू कैन सी, देखिए यहां पे अंडमान आइलैंड्स, ये देखिए ये नॉर्दर्न बेल्ट, अंडमान ग्रुप, ये देखिए ठीक है। और इसके साउथ में सदर्न बेल्ट, निकोबार ग्रुप, ये देखिए। और इन दोनों ग्रुप को सेपरेट करता हुआ एक वाटर बॉडी, अ वाटर बॉडी सेपरेट्स बोथ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, नाम है 10 डिग्री चैनल। पता है आपको नाम इसका? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री नाम क्यों पड़ा है? और चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल मीन्स अ वाटर बॉडी। 10 डिग्री मीन्स 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहां से गुजरता है। ये देखिए, नोट कीजिए, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉसेस अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इट डिवाइड्स इट इनटू अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, दैट्स इट। 10 डिग्री के ऊपर सवाल यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। अब इसमें हमारा फोकस पूरा निकोबार पे है, निकोबार आइलैंड्स पे। निकोबार कहां पे? सदर्न बेल्ट। और इसमें सबसे दक्षिण में कौन सा आइलैंड है? द मोस्ट सदर्न मोस्ट लोकेटेड आइलैंड, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे एक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। सुना है आपने इंदिरा पॉइंट? ये देखिए इंदिरा पॉइंट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये देखिए इंदिरा पॉइंट। और यहीं पे इसी जगह पे ये पूरा बेल्ट अंडमान निकोबार का, पता है कौन रहते हैं? ट्राइबल्स रहते हैं। कुछ फेमस ट्राइबल्स के नेम्स देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये देखिए कुछ फेमस ट्राइबल्स, ओंजेस, ये देखिए ओंजेस, शॉम्पेंस, शॉम्पेंस देखिए, ये देखिए, और ये देखिए सेंटिनलीज, ये देखिए ट्राइबल्स हैं, अलग 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 तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। प्रिमिटिव लाइफ जीते हैं ये लोग, प्रिमिटिव लाइफ, ये देखिए ठीक है। और ये जो प्रिमिटिव लाइफ जीते हैं, इट्स फुली इन, दे लिव अ सस्टेनेबल लाइफ, ये कभी नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, सस्टेनेबल लाइफ। डू यू एग्री? टेल मी। और यही वजह स्टूडेंट्स कि आज तक वहां पे नेचर प्रिजर्व्ड है, आज तक वहां पे बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व्ड है। और जो भी डेंजर्स वहां पे होता है बायोडायवर्सिटी को, एनी डेंजर्स फेस्ड बाय बायोडायवर्सिटी, इसको लेकर उस एरिया में एक प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल रीजन बना दिया जाता है, ये देखिए। और ऐसे रीजन का नाम होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, ये देखिए प्रोटेक्टेड एरिया। व्हाट मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया? ये वहां पे प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसके अंदर के पूरे एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्टेड, ठीक है। और ये कहां पे है? ये बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे डिनोट किया गया? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, ये देखिए ठीक है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ये बायोस्फीयर रिजर्व है, नाम है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे कुछ एंडेमिक एनिमल्स हैं। ये देखिए एंडेमिक एनिमल्स में एक है निकोबार मेगापोड, ये देखिए बर्ड, ये देखिए ये खत्म होने की कगार पे खड़ा है, ये देखिए निकोबार मेगापोड, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑलमोस्ट। बाबरेगा सर ये चिड़िया क्यों ऐसे खत्म क्यों होने वाला है? ठीक है, क्योंकि ये चिड़िया, ध्यान दीजिएगा, दिस बर्ड, ये अपना नेस्ट घोंसला बनाता है मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर। सो विल दिस गेट डिस्ट्रॉयड? टेल मी, यस। ये देखिए, दिस इज द रीजन इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। निकोबार मेगापोड दिस ईयर एक्सपेक्टेड इन यूपीएससी, इस बार एक्सपेक्टेड है। ये कहां पाया था? ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के आसपास। सेकेंड, ये देखिए यहाँ का कुछ फेमस, ये देखिए लेदर बैक टर्टल, ये सबसे बड़ा टर्टल है, मराइन टर्टल, लेदर बैक टर्टल नाम है, द बिगेस्ट मराइन टर्टल फाउंड इन द ओशंस, ये देखिए। और ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये देखिए घड़ियाल, ये देखिए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये रहता है मराइन एरियाज में, ये देखिए। ये तीन फेमस एनिमल्स, एक निकोबार मेगापोड, एक लेदर बैक टर्टल और एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये कहां पाए जाते हैं? ये तीनों कहां पाए जाते हैं?
ठीक है, इट्स फाउंड इन ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये देखिए। क्या बच्चा लोग बताइए मुझे चैट बॉक्स में, क्या इतना समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन? और इन्हीं के लिए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, इनको सेव करने के लिए। और इसी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक छोटी सी जगह है जिसपे बहुत फोकस रहता है प्रोटेक्शन का, ये है गलाथिया बे। ये देखिए गलाथिया बे इंदिरा पॉइंट के जस्ट बगल में है। गलाथिया बे कैन सी इट हियर। नहीं, ऑल थ्री आर नॉट एंडेमिक, निकोबार मेगापोड इज एंडेमिक, बाकी दोनों हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है तो ये देखिए इंदिरा पॉइंट के जस्ट बगल में गलाथिया बे है। गलाथिया बे, ये क्या न्यूज में? यस, दिस कैन कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स। वेयर इज गलाथिया बे लोकेटेड? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब आप बोलेंगे ठीक है सर, तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों किया जा रहा है? सर आप देखिए डेवलपमेंट का प्लान क्या, ये देखिए, आइए देखते हैं। ठीक है, आपको अब क्रक समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे क्या है इस जगह पे लोकेशन। अब नाउ दिस प्लान गलाथिया बे सेंचुरी में पोर्ट और ट्रेड जोन बिल्ड किया जाएगा। ये नीति आयोग का विजन था, पोर्ट, सी पोर्ट बनेगा यहाँ पे और ट्रेड जोन बनेगा। कहा जा रहा है कि इस पूरे बेल्ट को सिंगापुर के समकक्ष लाकर खड़ा करना है, लेकिन क्या इससे डेंजर होगा स्टूडेंट्स, एनिमल्स को? टेल मी, क्या इससे डेंजर होगा एनिमल्स को इन दिस बेल्ट? यस, और यही वजह है इसको लेकर बार बार द हिंदू ने फोकस किया था फरवरी मंथ में। द हिंदू ने कहा था ये नीति आयोग का जो प्लान डॉक्यूमेंट है, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट ऑफ द निकोबार आइलैंड्स। और निकोबार आइलैंड्स पे कुछ और ट्राइबल्स रहते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। ट्राइबल्स में कौन से ट्राइबल्स हैं? ये देखिए स्टूडेंट्स, हैव अ लुक ट्राइबल्स के नेम्स, ध्यान दीजिएगा। ये हैं वो ट्राइबल, शोम्पेंस लिव इन दैट सेम एरिया। शोम्पेंस जरूर से याद कर लीजिए, शोम्पेंस रहते हैं स्टूडेंट्स ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पे। ये देखिए, इसके अलावा निकोबारीज, ये भी ट्राइबल्स हैं, लोकल्स हैं वहां पे। ये देखिए, बात समझ में आ रही है? शोम्पेंस निकोबारीज लिव ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, और इनके ऊपर डेंजर बिकॉज ऑफ दिस विजन डॉक्यूमेंट। ये देखिए डेंजर, इसीलिए अपोजिशन आ रहा है फ्रॉम एनवायरमेंटल ग्रुप्स, इसीलिए अपोजिशन आ रहा है फ्रॉम द एनजीओस, इसीलिए अपोजिशन आ रहा है फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। बट यस, आज का न्यूज है स्टूडेंट्स, ये देखिए आज का न्यूज है, द ग्रीन पैनल अलाउज ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस। ये दिया गया था प्लान, एक ग्रीन पैनल बनाया गया था, एक कमिटी बनाया गया था, ठीक है, और उस कमिटी ने गो अहेड दिया इस प्लान को। तो फ्लैग तो कंसर्न्स तो हैं भाई, ठीक है। अब क्या प्लान को गो अहेड दिया गया है कि स्टडीज किए जाए कि कितना, ध्यान दीजिएगा, स्टडीज किए जाए कि कितना असर पड़ेगा पर्यावरण पे उस बेल्ट में। तो दिस इज द मेजर पॉइंट आउट हियर, द ग्रीन पैनल हैज अलाउड द ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस, जिसमें कि एक बड़ा सीपोर्ट डेवलप किया जाएगा, ट्रेड जोन बनेगा ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पे। और देखिए ये खुद से दिखा रहा है, गलाथिया बे का ये इमेज है, ये लेदर बैक टर्टल, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, यहीं पे वो सी पोर्ट बनने वाला है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स ह्यूज है। ये बताइए, सी बीच पे ट्रेड जोन बनेगा, सी पोर्ट बनेगा, लेदर बैक टर्टल का नेस्टिंग साइट है यहाँ पे, नेस्टिंग साइट, निकोबार मेगा पोर्ट सॉयल पे बना रहा है नेस्ट। डोंट यू थिंक इट्स एनवायरमेंटल कंसर्न? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, डोंट यू थिंक इट्स एनवायरमेंटल कंसर्न? अभी जस्ट EIA स्टडीज के लिए गो अहेड किया गया है, ठीक है, EIA स्टडीज किए जाएंगे, कितना असर पड़ना है ये देखा जाएगा, उसके बाद इट विल प्रोसीड, या क्या कहते हैं, क्या होगा उसके बाद, EIA स्टडीज के बाद क्या होगा, विल बी सीइंग इट। व्हाट इज EIA? एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज। ये देखिए, ये लेदर बैक टर्टल बोल रहा है कि मेरा नेस्टिंग साइट खत्म हो जाएगा, उधर निकोबार मेगापोड, ये तो बर्ड
ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज. लेट मी टेल यू, दिस बर्ड इज सो मच इन डेंजर कि इसको भारत सरकार ने अपने स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में पुटअप किया हुआ है. स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में भारत सरकार ने इंक्लूड किया है निकोबार मेगापोर्ट को. अब बोलेगा सर व्हाट इज स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम. स्टूडेंट्स ये वही प्रोग्राम है जिसमें करैकल वॉज इंक्लूडेड फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी. करैकल सुना है आपने, टेल मी, वाइल्ड कैट फाउंड इन चंबल बेसिन. डोंट यू थिंक करैकल वाला ही न्यूज था. करैकल भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया है इंडिया में और निकोबार मेगापोर्ट भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडिया में. ये देखिए दोनों को डाला गया स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम. भारत सरकार का प्रोग्राम है, इट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जिसमें पूरा फोकस उन स्पीसीज को सेव करने के लिए जो खत्म होने की कगार पे खड़े हैं, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ये देखिए 22 स्पीसीज हैं इसके अंदर, 22. लेट मी टेल यू, सबसे रिसेंटली करैकल ऐड किया गया है और इसके पहले निकोबार मेगापोर्ट भी इसमें है. ये देखिए, सो ह्यूज कंसर्न, अल्टीमेटली ह्यूज कंसर्न आउट हियर अपॉन दिस प्रोजेक्ट. लेट सी व्हाट गोज अहेड इन द प्रोजेक्ट. ये बार बार न्यूज आएगा. ये देखिए मैंने अटैच किया हुआ है ये कंप्लीट प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ अटैच्ड है, पढ़ लीजिएगा आप लोग. ठीक है, इस पूरे बेल्ट को एक सिंगापुर ऑफ इंडियन ओशन बनाना है, सिंगापुर ऑफ द इंडियन ओशन. सो दैट्स इट, गो थ्रू द प्लान. और इसे लिंक कहां करना है स्टूडेंट्स, ये देखिए लिंक कहां करना है, हैव अ लुक. ग्रेट निकोबार प्लान नाम है, ग्रेट निकोबार विजन डॉक्यूमेंट. ये देखिए ना, ये फर्स्ट पेज पे ही तो था यहां पे. ये देखिए ग्रेट निकोबार विजन डॉक्यूमेंट, ये देखिए. तो चलिए आगे बढ़ जाएं, इस प्रोजेक्ट को रेडी कर लीजिएगा. कैसे, यहां से क्वेश्चंस क्या आएंगे, लेट मी टेल यू क्वेश्चंस क्या आएंगे. सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट. डोंट यू थिंक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन. एक तरफ रोड बनाना है, दूसरी तरफ एनिमल्स खत्म हो रहे हैं. एनिमल भी सेव करना है, रोड भी बनाना है. इकोनॉमी वर्सेज एनवायरमेंट की फाइट बहुत बहुत आगे बढ़ चली है. टेल मी स्टूडेंट्स, डू यू एग्री. अर्थव्यवस्था वर्सेज पर्यावरण, फाइट बहुत आगे चली गई है और इस फाइट में शायद इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस है, पर्यावरण पे फोकस नहीं है. यस, ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आता है, ग्रेट निकोबार. यस करेक्ट. ठीक है, तो दैट्स इट स्टूडेंट्स. यहाँ पे इकोनॉमी वर्सेज एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस. ठीक है, और ये देखिए 360 डिग्री अप्रोच प्रीलिम्स के लिए. अंडमान निकोबार आइलैंड्स का लोकेशन जरूर से पढ़ दीजिए, लोकेशन एंड मैपिंग. ये देखिए स्टूडेंट, मैंने आज आपको क्या बताया, 10 डिग्री चैनल लोकेट कीजिएगा. मैंने आपको आज क्या बताया, ग्रेट निकोबार कहाँ पे है. मैंने आपको आज क्या बताया, इंदिरा पॉइंट. और क्या बताया मैंने साथ में आज, गलाथिया बे दिस ईयर एक्सपेक्टेड टॉपिक. गलाथिया बे कहाँ पे है, ये पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप पे, आ जाइए. कम अपॉन द ग्रुप, यू विल गेट द पीडीएफ, डोंट वरी. ईआईए मींस एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट. असेस करना, जज करना ऑफ द इंपैक्ट्स ऑफ द प्लान अपॉन द एनवायरनमेंट. दैट्स इट. चलिए आगे बढ़ जाएं, तीसरा न्यूज आज का. आई होप बच्चा लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं. ठीक है, तीसरा न्यूज, साउथ सुदान प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स पार्लियामेंट एज पार्ट ऑफ पीस अकॉर्ड. साउथ सुदान में समस्याएं, ये देखिए. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे साउथ सुदान, ये देखिए ये अफ्रीका का मैप, ये देखिए सुदान के साउथ में साउथ सुदान. ये देखिए, नोट कीजिए, आपका होमवर्क है. साउथ सुदान से क्या रिवर नाइल फ्लो कर रही है, देखिए तो स्टूडेंट्स, ये देखिए क्या रिवर नाइल फ्लो कर रही है साउथ सुदान से, देखकर बताइए मुझे. तो ये देखिए साउथ सुदान लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये टेल मी लैंडलॉक्ड कंट्री है, टेल मी स्टूडेंट्स. ये देखिए
यानी कोई समुद्री तट नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री, ये देखिए छोटा सा कंट्री है, ठीक है। 2011 में इंडिपेंडेंस मिला, नोट कीजिए 2011 इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम सूडान। और इस बेल्ट में क्या फाइट क्यों है, लेट मी टेल यू, साउथ सूडान इज फुल ऑफ ट्राइबल्स, ट्राइबल्स से फुल है, वाइल नॉर्थ जो सूडान है, सूडान प्रॉपर, ये इट्स फुल ऑफ द अरब ग्रुप्स, ये देखिए दोनों जगह ट्राइबल्स हैं, बस रिलीजन अलग अलग है। अरब ग्रुप्स हैं नॉर्थ सूडान में, मीन सूडान प्रॉपर में, एंड साउथ सूडान में ट्राइबल्स हैं जो अपना अलग धर्म एनिमिज्म फॉलो करते हैं, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे 2011 में इसको इंडिपेंडेंस मिला फ्रॉम सूडान, लैंडलॉक्ड कंट्री है, रिवर नाइल फ्लो करती है, एंड दिस बेल्ट इज वर्ल्ड फेमस फॉर हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स। सुना है आपने ONGC के बारे में, ONGC विदेश लिमिटेड, उसकी एक कंपनी है विदेश लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, फॉरेन ब्रांच ऑफ ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का फॉरेन ब्रांच, ये जाता है बाहर की कंट्रीज में क्रूड ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए, यस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का फॉरेन ब्रांच ONGC विदेश लिमिटेड, ठीक है। और इसीलिए ये दिस क्या कहते हैं, इट गोज इन वेरियस फॉरेन कंट्रीज टू एक्सप्लोर एंड इंपोर्ट द क्रूड ऑयल फॉर इंडिया। सूडान में भी वो गया है, सूडान में भी ONGC विदेश लिमिटेड, OVL, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म OVL, इसका इन्वेस्टमेंट है, अलॉन्ग विद रशिया में भी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट है, अंगोला में भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सूडान इज अ सूडान बेल्ट कंप्लीटली बहुत ही एक क्रिटिकल बेल्ट है हाइड्रोकार्बन्स के लिए, और यही वजह था साउथ सूडान की लड़ाई चल रही थी, द फाइट वॉज गोइंग ऑन सिंस द पास्ट 3 decades। अल्टीमेटली साउथ सूडान वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग इंडिपेंडेंस इन 2011। लेकिन 2011 के इंडिपेंडेंस के बाद देखिए, नया कंट्री होता है, नेसेंट कंट्री होता है, छोटा सा मीन्स अभी जस्ट बर्थ हुआ है इस देश का, क्या सब कुछ स्टेबल हो जाएगा शुरू में, नहीं। और यही वजह है कि साउथ सूडान में अभी भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं बहुत सारे, और आपस में सिविल अपराइजिंग्स होती रहती हैं, सिविल अपराइजिंग्स। और इसी को लेकर न्यूज आया है, द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द पार्लियामेंट एज पार्ट ऑफ द पीस अकॉर्ड। अब आपस में सारे ग्रुप्स पीस अकॉर्ड साइन किए हैं, पीस अकॉर्ड मीन्स पीस एग्रीमेंट साइन किए हैं, ताकि नया जो पार्लियामेंट बनेगा उसमें अपोजिशन के भी लोग रहेंगे, बस दैट्स इट। एनिमिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स पेड़ की पूजा करना, पक्षी की पूजा करना, ठीक है, नेचर वर्शिप, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। इज दिस क्लियर। साउथ सूडान प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स पार्लियामेंट एज पार्ट ऑफ पीस अकॉर्ड, अपोजिशन कैंप से भी लोग आएंगे, इन शॉर्ट ये सिविल वॉर खत्म करने के लिए किया गया, सिविल वॉर, और ये पीस लाने के लिए किया गया है, पीस लाने के लिए। गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलें। अब आप बोलेगा सर यहां से क्या सवाल आएगा, यहां से बस एक क्वेश्चन है, साउथ सूडान 3 चीजें मैंने बताया, रिवर नाइल फ्लो करती है, यस, लैंडलॉक्ड कंट्री है, यस, इंडिपेंडेंस इन 2011 एंड फुल ऑफ ट्राइबल्स, ये ट्राइबल्स, क्लियर है स्टूडेंट्स। टेल मी प्रीलिम्स में यहां से सवाल इतना निकलेगा, साउथ सूडान का लोकेशन जरूर से देख लीजिएगा, इथियोपिया के बगल में, सूडान के साउथ में, ये देखिए, दिस इज इट, क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स, एटलस में मार्क हो गया है। और ये देखिए सूडान का जो वेस्टर्न पोर्शन है, यहां भी बहुत बड़ा जीनोसाइड शुरू से ही चला हुआ है, इसे दारफुर रीजन कहते हैं, दारफुर, आपको मैंने मार्क करवाया पहले, दारफुर जरूर से मार्क कीजिए, दारफुर इज दैट रीजन वेस्ट ऑफ सूडान जहां पे ऑलरेडी जीनोसाइड, जीनोसाइड मींस क्या होता है, मास किलिंग्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप, ये देखिए चला हुआ है, दैट्स इट। सूडान इज सूडान बेल्ट इज वेरी डिस्टर्ब्ड बेल्ट, यही कंक्लूजन निकल रहा है यहां, दैट्स इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 360 degree अप्रोच क्या रहेगा यहां पे इस न्यूज से, साउथ सूडान का लोकेशन देखना है आपको, डिकोड इंटरलिंक अप्रोच, अफ्रीका इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, यस, ये सवाल निकल सकता है IR में, उसका एग्जांपल है ये,
आइए आगे बढ़ जाए। अगला न्यूज, म्यूकोर माइकोसिस ब्लैक फंगस इन कोविड पेशेंट्स, जो ठीक हो जा रहे हैं। ये देखिए म्यूकोर माइकोसिस क्या है, हैव अ लुक। अरे भाई मैंने न्यूज तो बताया अभी सूडान को लेकर, साउथ सूडान का पार्लियामेंट डिसॉल्व किया गया है ताकि सिविल जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको भी साथ लेकर नया पार्लियामेंट बनाया जाए। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ जाएं। म्यूकोर माइकोसिस ब्लैक फंगस, क्या ये न्यूज आया है स्टूडेंट्स क्वाइट रिसेंटली, लास्ट एक हफ्ते से ये न्यूज आ रहा है। फाउंड इन दोज पेशेंट्स, इट्स अ सीरियस फंगल इन्फेक्शन, सीरियस फंगल इन्फेक्शन। ये देखिए फाउंड इन दोज पेशेंट्स, ठीक है, जो मरीज जो COVID-19 से इंपैक्ट हुए थे, COVID-19, ये देखिए इंपैक्टेड, ठीक हो गए हैं, सर्वाइव्ड, बट इम्यून सिस्टम इज वीकेंड। इम्यून सिस्टम वीकेंड क्यों हुआ स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा था, इम्यून सिस्टम इज, ठीक है, इज वीकेंड। व्हाई? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ स्टेरॉयड्स। क्या हम लोगों ने कल स्टेरॉयड्स पे देखा था, स्टेरॉयड्स में कौन सा, ध्यान दीजिएगा, ये इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा कमजोर करता है, डेक्सामेथासोन फॉर एग्जाम्पल वी सॉ। ठीक है, या कोई भी स्टेरॉयड, हम लोगों ने सबसे कॉमन स्टेरॉयड देखा था जिसके कारण इम्यून सिस्टम वीकन अप होता है और उसी का इंपैक्ट ये फंगस अटैक करता है। ठीक है, ये देखिए ये फंगस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, इट्स फाउंड इन अबंडेंस इन द एनवायरनमेंट। और अल्टीमेटली ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेटली जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है इट अटैक्स, दैट्स इट। अब सिम्टम्स क्या है इसके, देखिए पेन एंड रेडनेस अराउंड द आईज, ओके, आंख के आसपास पेन, रेडनेस, नोज में भी, फीवर भी, हेडेक भी, इन शॉर्ट जितना आपका दिस क्या कहते हैं आईज, नोज और क्या कहते हैं दिस फोरहेड, आसपास वहां समस्याएं बनी रहेंगी। उसके अलावा वॉमिट और वॉमिट में ब्लड आना, ठीक है, ऑल्सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कभी कभी अगर टीथ दांत टूटना शुरू हो जाए, लूजनिंग ऑफ द टीथ, इट मीन्स इट हैज अटैक्ड, इट्स अ क्रिटिकल साइन। हु इज वल्नरेबल, ये देखिए हु इज वल्नरेबल, वल्नरेबल ग्रुप्स इंक्लूड पीपल हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स और टेक मेडिसिन दैट लोअर द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट जर्म्स, स्पेसिफिकली डायबिटीज के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, और अब स्टेरॉयड लिए हुए पेशेंट्स, डेक्सोना फॉर एग्जाम्पल या डेक्सामेथासोन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो इस्तेमाल किया गया COVID-19 पेशेंट्स में, इट्स डेडली अगर नहीं ट्रीट किया गया तो। और ये देखिए लिखा हुआ है दिस क्या कहते हैं दिस म्यूकोर माइकोसिस नीड्स टू बी ट्रीटेड विद प्रेस्क्रिप्शन एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी फंगल मेडिसिन। ये देखिए ये फंगस है, ठीक है, इसे ठीक करने के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन होता है, 21 डेज तक चलाना पड़ता है जहां तक मैंने सुना है, ठीक है, 21 डेज। और अल्टीमेटली 21 डेज अगर नहीं लिया गया सीरियसली से, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ द अपर जॉ एंड समटाइम्स इवन एन आई, एक आंख भी निकालना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस, दिस इज अ सीरियस डिजीज। तो स्टूडेंट्स क्या बात समझ में आ रही है आपको, क्या ये प्रिवेंशन, ये कैसे प्रिवेंट किया जाए? अगर आप डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जा रहे हैं, देखिए डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज मास्क, स्पेसिफिकली वो लोग जो जिनको COVID-19 होके गया है, ठीक है, मेडिसिन से ठीक हुए हैं, यूज मास्क व्हाइल विजिटिंग डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स। और ये देखिए सेकंड पॉइंट, वियर शूज, लॉन्ग ट्राउजर्स एंड लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट्स व्हाइल गार्डनिंग, मिट्टी में मिट्टी का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सॉयल निकाल रहे हैं, कुछ वहां पे पुटअप कर रहे हैं प्लांट्स, गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ सीड्स डाल रहे हैं, प्लीज यूज ग्लव्स, प्लीज यूज शूज, प्लीज यूज ट्राउजर्स, तभी जाकर ये इंफेक्शन से बच पाएगा इंसान। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्या
has this brought back the focus upon post-COVID-19 complications? Students, tell me post-COVID complications. ये देखिए, mucormycosis, ये देखिए लिखा हुआ है. गार्डनिंग में भी देखिए, मिट्टी में भी होता है ना ये फंगस. इट्स द मोस्ट कॉमन फंगस फाउंड इन द एनवायरनमेंट, दैट्स इट. ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप यू माइट बी. ठीक है, कहीं कहीं मिट्टी पे, स्टैग्नेंट प्लेसेस पे, कहीं कहीं ये जमा रहेगा ये फंगस. नहीं, दिस इज वेरी कॉमन इन द एनवायरनमेंट, बट दिस अटैक्स ओनली दोज पीपल हुज इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज, दैट्स इट. जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उस पर यह अटैक करता है, सब पे अटैक नहीं करता है. यस, 21 डेज तक इंजेक्शन लेना पड़ता है. इट इज ट्रीटेबल, कंप्लीटली ट्रीटेबल विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. बट यस, क्या इसके लिए डायग्नोसिस चाहिए स्टूडेंट्स? इज अ प्रॉपर डायग्नोसिस नेसेसरी? कौन सी बीमारी है? यस, ये देखिए. तो ये स्टूडेंट्स वहां देखा जा रहा है. अभी देखिए, देखिए इसके बारे में अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टडीज चल रही हैं. ठीक है, स्टडीज चल रही हैं. देखा गया है कुछ गुजरात के हॉस्पिटल्स में, कुछ महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में, कुछ राजस्थान और दिल्ली के हॉस्पिटल्स में. कंप्लीट इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो अभी आना बाकी है. स्टडीज आर गोइंग ऑन. ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इससे इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं. ये देखिए, साइनोसाइटिस, नाक बंद होना, कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज. ठीक है, विच कैन हैव ब्लड फ्रॉम योर नोज. ठीक है, लोकल पेन ऑन द चीक बोन. ठीक है, या एक साइड, चेहरे के एक साइड पेन. ठीक है, या स्वेलिंग, या ब्लैकिश डिस्कलरेशन, काला पड़ना चेहरे का एक साइड, टीथ का लूजनिंग अप. ठीक है, या उसके अलावा डबल विजन. ठीक है, हर चीज दो दिखाई देना. ठीक है, ऑल दिस लीड्स, ऑल दिस मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम, मीन्स अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम म्यूकॉर माइकोसिस. तो दिस इज इट. और इसके लिए देखिए दवाई है, यहां लिखा हुआ है, हाइड्रेशन चाहिए, एंटी फंगल्स चाहिए. एंड बट डोंट यू थिंक स्टूडेंट, दिस कोविड 19 हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स. ऐसी तो कोई बीमारी ही नहीं हुई थी अभी तक जिसने इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस दे दिए पूरे विश्व को. ये देखिए, जो लोग सरवाइव कर रहे हैं उनको और भी डर. ये देखिए आगे के लिए. ठीक है, तो दिस इज इट. कोविड 19 हैज ब्रॉट बैक द फोकस अपॉन कि हेल्थ केयर अगर नहीं ठीक रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीन नहीं ठीक रहा. हाइजीन पे सब कुछ आ जाता है टिकने के लिए. ठीक है, हाइजीन नहीं प्रॉपर रहा तो बहुत दिक्कत हो सकती है. इसीलिए वॉश पे इंक्रीज्ड फोकस. आपको समझ में आता है वॉश का मतलब क्या है? वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन. ये देखिए, तो दैट्स इट स्टूडेंट्स. यहां से आप बोलेगा सर सवाल कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, म्यूकॉर माइकोसिस क्या होता है, बस इतना. एंड मेंस में अगर सवाल आया कोविड 19 कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर कुछ भी, डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस टॉपिक, म्यूकॉर माइकोसिस, फंगस, फंगल इन्फेक्शन. चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट्स. ये देखिए फिर कोविड 19 न्यूज. सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19 ब्रिंग्स ऑल द सर्वेज टू अ हॉल्ट. जितने सर्वेज हो रहे थे स्टूडेंट्स पे असर क्या पड़ा है कोविड का. ठीक है, माइग्रेंट्स पे क्या असर पड़ा है कोविड का, वर्कर्स पे क्या असर पड़ा है कोविड का, इसको लेकर सर्वे हो रहा था, वो सर्वे पे ही असर पड़ गया कोविड का. ये देखिए कोविड का सेकेंड वेव, सर्वे इज स्टॉप्ड. ये देखिए, ये देखिए, तो स्टूडेंट्स, माइग्रेंट्स एंड वर्कर्स, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये सब का सर्वे हो रहा था कि कोविड का क्या असर पड़ा है, और देखिए सर्वे पे ही इंपैक्ट पड़ गया कोविड का. ये देखिए इंपैक्ट ऑफ कोविड. तो अब सर्वे नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स, तो डोंट यू थिंक दैट डेटा नहीं हो पाएगा. डेटा अगर एब्सेंट होगा, डेटा डिफिशियंट होगा, तो क्या पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम है? ये देखिए पॉलिसी मेकिंग में क्या समस्या आएगी, टेल मी. यस, ये देखिए, जब डेटा ही नहीं आएगा तो पॉलिसी कैसे बनेगी? पॉलिसी में ह्यूज प्रॉब्लम्स विल कम अप बिकॉज ऑफ द हॉल्ट ऑफ द सर्विस, दैट्स इट.
ये सर्वेज कुछ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद सर्टन एनजीओस इनिशिएट किया जाता है ये, ठीक है, या तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है इनिशिएट, ठीक है। वॉश मीन्स वाटर सैनिटेशन हाइजीन, मैंने यहां बताया वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। अगर इस पे फोकस नहीं रहेगा तो बीमारियां बढ़ ही रही हैं कोविड 19 के बाद, ये देखिए हाइजीन वाटर एंड सैनिटेशन इन तीनों पे फोकस करना जरूरी है अगर म्यूकोरमाइकोसिस या कोई और कॉम्प्लिकेशन रोकना है तो। आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वेटिंग फॉर द शेयर ऑफ फॉरेन एड, लाइव मिंट का न्यूज है। तो इन दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा है कि अभी तक फॉरेन कंट्री से जो इक्विपमेंट्स और ड्रग्स आए हमारे तक नहीं आए हैं। डज दिस सिग्निफाई समथिंग कॉल्ड एज द सेंटर स्टेट रिलेशंस? सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या कोऑपरेटिव होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिव होना चाहिए, टेल मी इन द टाइम्स ऑफ कोविड 19, टेल मी स्टूडेंट्स। यस, ये देखिए ठीक है, क्लियर। तो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अगर कोविड को टैकल करना है तो, लेकिन इट इज लीविंग मच टू बी मींस मच टू बी डिजायर्ड। ये देखिए ये साफ साफ शो कर रहा है कि आज भी सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एग्री कर रहे हैं, टेल मी स्टूडेंट्स। ये देखिए अगर ये स्टेट्स कह रहे हैं कि नहीं रीच किया है हम तक ये एड तो दिक्कत की बात है ये। सो सेंटर स्टेट रिलेशंस आर फेसिंग इंक्रीज्ड, आप कह सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस इंक्रीज लाइमलाइट में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड 19 सेकेंड वेव। तो पॉलिटी में लिंक कर सकते हैं इस चीज को ना, सेंटर स्टेट रिलेशंस। क्या टेल मी स्टूडेंट्स, क्या कोविड 19 अगर मैनेज करना है डू वी नीड अ प्रॉपर लीडरशिप एट ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नेंस? टेल मी, क्या हमें प्रॉपर लीडरशिप चाहिए एट सेंटर, एट स्टेट, एट लोकल बॉडीज? यस, तभी जाकर ये टैकल हो पाएगी समस्या। ये देखिए, और इसी पे आज एक आर्टिकल आया है, बहुत अच्छा आर्टिकल आया है ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि इंडिया ने फेमिन फेस किया था, भुखमरी फेस किया था 1960s में, और तब एक एबल प्रॉपर प्लानिंग के कारण इंडिया वेंट ऑन टू लॉन्च द ग्रीन रेवोल्यूशन। हैट्स ऑफ एट दैट टाइम टू आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके कारण ये इनिशिएट हुआ था प्लान। यस यस, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में आता है पार्टी पॉलिटिक्स, बिल्कुल आता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। बस ये न्यूज आप लिंक कर सकते हैं जहां पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट। हाउ नेपाल्स कोविड 19 क्राइसिस मिरर्स इंडियाज? इंडिया जैसे जैसे इंडिया केसेस राइज की, अब नेपाल इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। ये देखिए यहां पे, ये देखिए यहाँ पे इंडिया जैसे इंडिया का राइज किया नेपाल का प्रेशर, नेपाल के हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर, सेम डे सेम वे जैसे इंडिया पे राइज किया वैसे ही राइज किया है। कोविड 19 केसेस इन नेपाल हैव मल्टीप्लाइड ड्रामेटिकली इन द लास्ट फ्यू वीक्स, फ्रॉम जस्ट अबाउट 100 केसेस वन डे में नेपाल में आ रहे थे लास्ट मंथ, इट्स रिपोर्टिंग 20 केसेस पर 1 लाख पीपल डेली। ये देखिए पर 1 लाख पीपल डेली 20 केसेस, इट्स अ ह्यूज राइज, यू कैन सी दिस आउट हियर, नेपाल के केसेस इंडिया के समकक्ष। ये देखिए, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम कमिंग अप इन द नेबरहुड ऑल्सो। साफ साफ मतलब देखिए, अगर एक जगह भी बीमारी रह गई साउथ एशिया में, इट विल क्रिएट हैवॉक इन द फ्यूचर ऑल्सो। डू यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स? ये देखिए, इसी वजह से नेपाल का ये जो कोविड 19 क्राइसिस जो राइज कर रहा है, इट्स बींग सीन एज अ बिग बिग प्रॉब्लम। इंडिया का अगर वेव खत्म भी हो गया, लेकिन अगर नेपाल में ऐसे बढ़ते रहे केसेस तो चिंता है, क्योंकि नेपाल के साथ पोरस बॉर्डर है इंडिया का। डू यू एग्री, पोरस बॉर्डर? ये देखिए, ये चिंता की बात है। देखिए साउथ एशिया के रिमेनिंग कंट्री साथ इंडिया का बॉर्डर पोरस नहीं है, बात समझ में आ रही है? इंडिया का बॉर्डर ओपन नहीं है, नेपाल के साथ इंडिया का बॉर्डर ओपन है, और यही समस्या की बात है। इसीलिए द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आया है, इट इज फोकसिंग अपॉन ओनली नेपाल, वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट द अदर कंट्रीज इन द नेबरहुड, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पूरा बंद किए हुए हैं, बॉर्डर बंद भी कर देंगे, ठीक है।
ऐसे भी नहीं है मूवमेंट, ठीक है, लेकिन नेपाल के साथ मूवमेंट है डेली बेसिस पे, दैट्स इट। और यही वजह है स्टूडेंट्स दैट दिस इज अ प्रॉब्लम। इफ दिस हैपेंस इन सम अदर कंट्री, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेबरहुड, उससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट तब पड़ेगा जब नेपाल में ये राइज करेगा, दैट्स इट। So this is it. So this is the problem why this article has come up today. ठीक है, in the Indian Express. और ये देखिए students, इसी को लेकर ये देखिए यहाँ पे ये तीसरा news हो गया आज का, ये problem है, ठीक है, एक challenge है India के लिए ये। And ये fourth news, US states turn down hundreds of thousands of vaccine doses. US states ने कहा है हमारा vaccine ध्यान दीजिएगा, vaccine demand पूरा meet हो गया लगभग। अब वो लोग केवल 10% ऑफ द डिमांड वो लोग अब ले रहे हैं। इज डज दिस शो यूएस हैज बिकम अ सेल्फ सस्टेनेबल कंट्री, सेल्फ सस्टेन कर गया है वैक्सीनेशन में, टेल मी। ये देखिए वैक्सीनेशन, ये देखिए यूएस स्टेट्स टर्न डाउन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वैक्सीन डोजेस, जो सेंटर ने भेजा था उन लोगों को, सेंटर यानी यूएस गवर्नमेंट, जोसेफ बाइडन की गवर्नमेंट ने, ये साफ साफ शो करा, स्टेट्स आर सेइंग दैट ओके हमारा हो गया डिमांड पूरा, ठीक है, अब आप ले जाइए इसको, रखिए कहीं पे, हमारे पास, हमें केवल 10% चाहिए अपने कोटा का। ये देखिए वैक्सीनेशन का। सो क्या इसका असर पड़ेगा जोसेफ बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन पे, राइजिंग प्रेशर टू शेयर मोर डोजेस विद इंडिया एंड अदर कंट्रीज, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन, मैं टेलीग्राम चैनल पर आइए, आई विल पुट अप माय मोबाइल नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर, ठीक है। तो ये देखिए, दिस शोज दैट यूएस हैज बिकम सेल्फ सस्टेन इटसेल्फ इन वैक्सीनेशन, जो इंडिया नहीं कर पाया शायद, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग एंड दिस वॉज डन बिकॉज ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग दैट देखिए, पहले ही वैक्सीनेशन बनने के पहले ही यूएस ने एग्रीमेंट साइन कर दिया था सारे कंपनीज के साथ में, दैट इज इट। तो चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स, ये देखिए अगला टॉपिक एडिटोरियल सेक्शन, लेट शिफ्ट एडिटोरियल सेक्शन, तीन चार छोटे छोटे एडिटोरियल्स हैं। ये देखिए पहला एडिटोरियल, ध्यान दीजिएगा, आउटरीच एंड ओवररीच, ये छोटा सा आर्टिकल आया है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम पे क्या असर पड़ेगा कोविड 19 सेकेंड वेव का, ये समय बताएगा, बट यस मैं बोलूंगा अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ठीक है, 27 जून को लेकर, ठीक है। यस बाय डिफॉल्ट जो कंडीशंस हैं उसमें होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम अपने एग्जैक्ट डेट पे, ठीक है। तो ये देखिए आउटरीच एंड ओवररीच, ये किसकी बात चल रही है स्टूडेंट्स, जुडिशियरी की। क्या जुडिशियरी आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैं रोल बता रहा हूं ऑक्सीजन को लेकर या मैनेजमेंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स सेटअप किया है, नेशनल टास्क फोर्स, ये देखिए ठीक है, नेशनल टास्क फोर्स सेटअप किया है 12 मेंबर, ये देखिए क्यों सेटअप किया है, उसने कहा है भाई मेडिकल ऑक्सीजन का एलोकेशन सही से देखने के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन एलोकेशन, यस ये ठीक है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स बार बार कभी सेंटर को, कभी स्टेट को और कभी लोकल बॉडीज को, ये देखिएगा सारे हाई कोर्ट्स कुछ ना कुछ डांट दे रहे हैं, मींस दे आर स्कोल्डिंग द गवर्नमेंट, दे आर स्कोल्डिंग द एग्जीक्यूटिव, डू यू एग्री, एग्जीक्यूटिव, ये देखिए एग्जीक्यूटिव्स, ये देखिए। तो सेंटर को क्या डांटा गया, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को डांटा कि आप दिल्ली का ऑक्सीजन एलोकेशन जितना है उतना दीजिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। वहीं कर्नाटका के हाई कोर्ट ने फिर से सेंटर को डांटा दैट कर्नाटका का बढ़ाइए ऑक्सीजन एलोकेशन। एंड थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिए, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को डांटा गया कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा आपसे ऑक्सीजन का। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट को कहीं कहीं बोला गया दैट इफ प्रॉब्लम्स आर नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड व्हाई नॉट इम्पोज अ लॉकडाउन
इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया. यस, लॉकडाउन क्यों नहीं स्ट्रिक्ट कर रहे हैं उस जगह पे, ये देखिए. इतना ही नहीं, इसने एग्जीक्यूटिव बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको भी डांट दिया हाईकोर्ट ने. अब कहा यह जा रहा है कि बार बार लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये ओवर रीच है, क्या जुडिशरी अपना काम छोड़कर एग्जीक्यूटिव का काम संभाल लिया है क्या. द टॉक इज दैट दैट इज जुडिशरी कमिंग ऑन टू टेक द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूटिव, एंड दिस आर्टिकल सेज नो, नॉट एट ऑल. टिल द जुडिशरी कम्स टू सेव अस, टिल द जुडिशरी कम्स टू सेव अस, आवर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तब तक ना तो ये आउटरीच कहेंगे ना ये ओवररीच कहेंगे. ये देखिए, ये देखिए, यस, दारफूर बेल्ट ट्राइबल है सुदान में, ठीक है. ये देखिए जुडिशरी, यहां कहा जाए जुडिशरी आर्टिकल 21 सेव करने आ रहा है, बिल्कुल नहीं है ये ओवररीच. जुडिशरी तभी आना, जुडिशरी को तभी आना पड़ रहा है व्हेन दीज सेंट्रल स्टेट एंड लोकल बॉडीज आर फेलिंग इन देयर प्रोमिसेस, फेलिंग टू कोऑर्डिनेट. एग्री कर रहे हैं, फेलिंग टू कोऑर्डिनेट. ये देखिए, दिस इज बीइंग डिस्कस्ड हियर. ये देखिए, जुडिशियल इंटरवेंशन इन रिस्पॉन्स टू द यूनियन गवर्नमेंट्स फेलिंग रिस्पॉन्स टू द हेल्थ क्राइसिस हैज रीच्ड इट्स एपोथियोसिस विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर्मिंग अ 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स. सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रहा है वो इन लोगों को करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट अब ये काम कर रहा है, 12 मेंबर टास्क फोर्स सेटअप किया इसने ट्रांसपेरेंट अलोकेशन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का. ये देखिए, ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, ऑन अ रैशनल बेसिस, ऑन अ इक्विटेबल बेसिस. क्या बड़े शब्द, ये देखिए, साइंटिफिक बेसिस अलोकेशन, रैशनल बेसिस अलोकेशन, लिख लीजिएगा ये वर्ड्स, एंड इक्विटेबल बेसिस अलोकेशन. ये देखिए, अल्टीमेटली तो यहां लिखा हुआ है द ट्रेंड. ये क्या कहते हैं, जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए, इट रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द जुडिशरी एनक्रोचिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव डोमेन. क्या जुडिशरी एनक्रोच कर रहा है, इज जुडिशरी एनक्रोचिंग, ये कितने लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया. तो कहा गया नो, नॉट एट ऑल. यहां देखिए लिखा हुआ है नॉट एट ऑल, बिकॉज द डेली नंबर्स, जो राइजिंग ऑफ डेली नंबर्स है, इट्स फ्राइटनिंग. ये देखिए, जो केसेस आ रहे हैं 4 लाख के अप्रॉक्स रोज आ रहे हैं, इट्स फ्राइटनिंग. और इसका मतलब है आर्टिकल 21 सेव करना पड़ेगा, दैट्स इट. यही सेव करने के लिए जुडिशरी बनाया गया. डू यू एग्री स्टूडेंट्स, टेल मी. ये देखिए, इसीलिए कम से कम इनके कारण ध्यान दीजिएगा, जुडिशरी के कारण कम से कम एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव अपने पैरों पे खड़ा है और कमांड फॉलो कर रहा है. ये देखिए, उसे जवाबदेही देनी पड़ रही है. एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव्स देखिए ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस. देखिए, इट्स रिक्वायर्ड. ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, डू यू थिंक जुडिशरी इज इनक्रोचिंग इन द एग्जीक्यूटिव डोमेन. तो आपको ये कहना है सर, एग्जीक्यूटिव डोमेन में जुडिशरी इंक्रोच करे या ना करे, इंटेंशन देखना जरूरी है. अगर इससे लोगों की जान बच रही है तो बिल्कुल इंक्रोच करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं. जान बचनी जरूरी है लोगों की, बिकॉज एट द सुप्रीम लेवल देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. प्रीएम्बल का शुरुआत होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से. देयर इज नथिंग मोर ग्रेटर देन द वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट इवन द सेंटर, नॉट इवन द स्टेट, नॉट इवन द लोकल बॉडीज, नॉट इवन एनीथिंग एल्स. ये देखिए, यही वजह है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से प्रीएम्बल शुरू होता है और वहीं पे आकर समाप्त भी होता है. ये सिटीजन्स अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं, दैट्स इट. एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, अगर इसमें इंक्रोच हो रहा है तो इंक्रोच उसकी जगह क्यों ले रहा है वो, क्योंकि वो काम करने में इनकेपेबल, दैट्स इट. जुडिशरी यही कह रहा है, जब तुम काम नहीं करोगे तो मुझे आना पड़ेगा जगह फिल करने की. हैव अ लुक सेकंड टॉपिक, ये पर्सनालिटी टेस्ट का क्वेश्चन आ सकता है. सेकंड टॉपिक लॉकडाउन की एनसीए, देखिए लॉकडाउन पे डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट्स. टेल मी कि लॉकडाउन करना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, लॉकडाउन चल भी रहा है 20 स्टेट्स में, 20 स्टेट्स हैव गॉन इन फॉर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन. ये देखिए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन,
कहा जा रहा है लॉकडाउन से क्या होगा असर, तो आ रहे हैं जो व्यूज हैं फ्रॉम द एक्सपर्ट्स दैट ट्रांसमिशन रेट स्लो हो जाएगा। एग्री कर रहे हैं, ट्रांसमिशन रेट विल बी स्लोड डाउन ऑफ द डिजीज। यस, नाउ दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। व्हाई मीन्स, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है क्योंकि ये बता रहा है कि तब तो लॉकडाउन का जो आपका एम है वो केवल आधा अधूरा एम है। लॉकडाउन का एक सेकेंड एम होता है अपना फैसिलिटीज रैंप अप करना, रैंप अप मेडिकल फैसिलिटीज उसी 14 डेज में, उसी 30 डेज में। एग्री कर रहे हैं? जो नहीं होगा तो लॉकडाउन का कोई गेंस नहीं होगा। ये देखिए देखिए यहां, दिस इज बीइंग डिस्कस्ड। ये आर्टिकल इट्स 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 पॉइंटिंग आउट टू अ वेरी क्रिटिकल क्रिटिकल मैसेज आउट हियर। ये सेंड कर रहा है कि बोला जा रहा है कि आप केवल आधा पोर्शन देख रहे हैं, ट्रांसमिशन रेट स्लो होगा एंड स्लो होगा, केवल यही है लॉकडाउन का एम। नो, आपको टाइम मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज रैंप अप कीजिए आगे के लिए। यही वजह है कि 14 डेज की छुट्टी जो मिल रही है आपको, जो शहर बंद चल रहा है, आप उसमें मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाइए, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाइए, जहां से बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाईज, मेडिकल फैसिलिटीज, बेड्स, हॉस्पिटल्स, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बढ़ाइए ताकि आगे सस्टेन करने के लिए रेडी हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट्स इट। लॉकडाउन होता है जनता के लिए, सरकार के लिए युद्ध स्तर पे काम करने का समय होता है। करेक्ट स्टेटमेंट। तो कहा जा रहा लॉकडाउन विल नॉट पे डिविडेंड्स अंटिल यू रैंप अप द मेडिकल फैसिलिटीज, क्योंकि तब तो हमेशा लॉकडाउन होता रहेगा। आगे भी लॉकडाउन इसलिए किया जाता है ताकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ा दीजिए, ताकि आगे अगर प्रेशर आए तो वो सस्टेन कर जाए आप। दैट्स इट, दिस इज इट। तो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के एम्स क्या होने चाहिए, ये सवाल यूपीएससी पूछ सकती है। ये देखिए, व्हाट शुड बी द एम्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लॉकडाउन इनिशिएटेड टू स्टॉप कोविड-19। क्या क्या एम्स होने चाहिए ये देखिए, उस समय क्या क्या किया जाना चाहिए ये देखिए, आपको ये लिखना है। व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ अ लॉकडाउन, ये पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आ सकता है और ये आ सकता है आपके मेंस में भी। नमस्कार नमस्कार स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द सेशन, टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो ये दिस इज इट। तो ये ट्राई कीजिएगा पर्सनैलिटी टेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स, देखिए अगले साल भी पर्सनैलिटी टेस्ट में ये सब सवाल आएंगे, ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ये आर्टिकल एडिटोरियल से ही पूछे जाते हैं सवाल, जो मेंस में नहीं पूछे गए दे आर आस्क्ड इन द पर्सनैलिटी टेस्ट। नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक एम ये भी है स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉकडाउन का, कि जो पुअर है उसको आइडेंटिफाई करके वहां उस तक खाना पहुंचाना। ये देखिए, नहीं तो अगर लॉकडाउन केवल इसके लिए किया है आपने तब तो दो घाटे यहां पे निकलेंगे। ठीक है, तो लॉकडाउन का एम होना चाहिए, तीन एम होना चाहिए, ट्रांसमिशन रेट स्लो डाउन करना, मेडिकल फैसिलिटीज रैंप अप करना, पुअर तक खाना पहुंचाना, पुअर को ज्यादा सिक्योरिटी देना। लॉकडाउन में ज्यादा इजी हो जाएगा बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरीज यानी पुअर को आइडेंटिफाई करना। दैट्स इट। ठीक है, यस यस, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी दिख दीजिए लॉकडाउन का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ, विदाउट सच प्रोग्रेस द लॉकडाउन मे यील्ड ओनली स्मॉल गेन्स। अगर नहीं प्लानिंग किया गया, इट मे ओनली यील्ड स्मॉल गेन्स, सिंस द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द सिस्टम्स टू हैंडल अनदर सर्ज वुड हैव बीन फ्रिटर्ड अवे अगेन एंड अगेन, जैसा लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर लॉकडाउन किया गया था एंड लॉकडाउन में सब कोई बैठ गया उसके बाद। वही यहां पे कह रहा है कि नहीं, लॉकडाउन का मतलब होता है आप युद्ध स्तर पे काम कीजिए। ठीक है, ये देखिए तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु ने बहुत अच्छा काम किया, एग्जाम्पल देखिए यहां दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, दिस ई पेमेंट्स हो रहे हैं, डोर स्टेप डिसबर्समेंट हो रहा है पीडीएस का, राशन दुकान से राशन आ रहा है डोर स्टेप पे। ठीक है, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स कंप्लीटली डिलीवर हो रहे हैं घर पे। ये देखिए, व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ अ लॉकडाउन इनिशिएटेड टू स्टॉप कोविड-19 एम्स। ये देखिए तमिलनाडु का केस स्टडी जरूर से उठाइएगा यहां।
सेशन और 10 मिनट्स है मैक्सिमम। आइए देखते हैं आगे, अगला टॉपिक, अगला आर्टिकल, बैक इन द शॉर्टेज इकोनॉमी। बैक इन द शॉर्टेज इकोनॉमी ये डिस्कस कर रहा है आर्टिकल स्टूडेंट्स, हमारा फैमीन का समय, फूड क्राइसिस का समय 1960s का। फैमीन, फूड क्राइसिस 1960s, ये देखिए। ठीक है, ये क्या डिस्कस कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 1960 में इंडिया ने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए। सबसे बड़ी समस्या थी भुखमरी की, फैमीन, ये देखिए। और यहाँ डिस्कस किया गया दैट उस समय दो कंसेक्यूटिव ईयर्स, टू कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ ड्रॉट, ये देखिए, ईयर्स ऑफ ड्रॉट, ये देखिए, सूखा पड़ा था उस समय 2 साल लगातार, ये देखिए। उसके बाद यूएस से असिस्टेंस मांगा गया, ये देखिए, यूएस से असिस्टेंस मांगा, और यूएस से असिस्टेंस मांगा गया, और यूएस की तरफ से बहुत ही गलत तरीके से असिस्टेंस दिया गया था उस समय। और उसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया, और इंडिया ने एबल लीडरशिप, ये देखिए, एबल कॉम्पिटेंट लीडरशिप के अंडर में इंडिया ने तैयारी कर ली, इसे इसका नाम है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये देखिए, एबल कॉम्पिटेंट एंड सिंसियर लीडरशिप, ये देखिए। अब यहाँ क्या ये क्यों टॉक कर रहा है, ये आर्टिकल क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है समस्याएं आती हैं उसको तरीके से मैनेज किया जाए तो मैनेज होती हैं, तरीका आना जरूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इस जगह पे, वी हैव बीन विटनेसिंग शॉर्टेजेस ऑफ ऑलमोस्ट, देखिए दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम COVID-19, बट यस वी ऑल्सो हैव कैपेसिटीज, ये लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, ये देखिए लिखा हुआ है, ये नई समस्या है, ये नया प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया के पास दो नई चीजें हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, इंडिया के पास इंडस्ट्रियल मसल है, ये देखिए, जो इंडिया के पास उस समय नहीं था, ये देखिए, इंडस्ट्रियल मसल इतना ज्यादा इंडिया के पास कि इंडिया हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत राइज कर सकता है अगर चाहे तो। सेकंड पॉइंट, इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करने के लिए, किस दिन के लिए रखा गया है फॉरेक्स, टेल मी, इट्स रिटन दैट दीज टू थिंग्स आर फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया, इट शुड बी यूटिलाइज टू द फुल एक्सटेंट, जो फॉरेक्स फॉरेन करेंसी रखा हुआ है उसका इस्तेमाल होना ही चाहिए मेडिकल इनपुट्स इंपोर्ट करने के लिए, इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, मेडिकल इनपुट्स, दैट्स इट। और इसी लिखा हुआ है दैट इट बिकम्स एब्सोल्युटली एसेंशियल कि आप अपने कमियां निकालिए, ठीक है, कमियां क्या क्या है, आप अपने एसेट्स निकालिए, एक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस कीजिए अपनी कमियों का, ये देखिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। और देखिए इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, वी शुड नॉट अडॉप्ट एन ऑस्ट्रिच लाइक पोस्चर डिनाइंग शॉर्टेज, जो हर जगह डिस्प्ले किया जा रहा है कि शॉर्टेज नहीं है, यहां लिखा हुआ इस आर्टिकल में, दैट ऐसा पोस्चर आना ही नहीं चाहिए, कमी एक्सेप्ट कीजिएगा तभी तो कमी मैनेज होगा। दिस आर्टिकल गिव्स अ वेरी वेरी विविड डिस्क्रिप्शन एंड टेल्स अस अबाउट द लीडरशिप ऑफ मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का, आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हिज लीडरशिप वॉज इंस्पायरिंग फॉर द कंट्री, डू यू एग्री, लेट मी नो। देखिए, द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स आउट इन द इंडियन हिस्ट्री एज अ डिस्प्ले ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकाउंटेबिलिटी बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप कंबाइनिंग रिजॉल्व, ह्यूमिलिटी एंड इंटेलिजेंस, वी क्रूशली मिस दिस टुडे, दिस आर्टिकल एंड्स हियर ओनली। लिखा हुआ है कि अपनी कमियां एक्सेप्ट कीजिएगा तो कमियां दूर करने का मौका मिलेगा, ठीक है, जैसे इंडिया ने उस समय किया था। यस, जय जवान जय किसान का नारा लगाकर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैड्स ऑफ टू दैट पर्सनैलिटी, एंड इंडिया ब्रॉट अबाउट अ क्वांटम लीप इन फूड प्रोडक्शन, यू कैन सी इट हियर, दिस इज इट। यहाँ लिखा हुआ है दैट इंडिया के अंदर हेल्थ स्पेंडिंग भी बहुत वैरी कर रहा है, भाई ये हेल्थ इमरजेंसी, और इसमें द बिगेस्ट थिंग इज SWOT एनालिसिस शुड कम अप
and proper steps should be planned. Mistakes should be accepted, and then the center, state, and local bodies should proceed ahead towards management. Strength, weakness, opportunity, threat analysis should be done. ठीक है, उसके बाद steps should be adopted. Center, state, local bodies should coordinate and proceed ahead to manage this. तभी जाकर ये देश को आगे बढ़ाएगा. नहीं तो अगर ऐसे leadership का मतलब क्या है यहाँ पे? The coordination, the weaknesses accept करना, तो नहीं तो दिक्कत की बात होगी. SWOT का मतलब है strength, weakness, opportunity and threats for the country. COVID-19 के समय ये देखिए, ये कहा जाता है कि आपको अपनी personality में भी ये निकालना होता है कि क्या क्या आपके अंदर कमियां हैं, क्या strengths हैं, क्योंकि UPSC में सवाल पूछा जाता है. What are your strengths, young man? Tell me. What are your weaknesses? जिसका कहते हैं tell me, सवाल पूछा जाता है यहाँ पे. Yes, accept your limitations first, then only you can go beyond them. अपनी कमियां accept कीजिए, तभी आप कमियों के ऊपर जीत पाइएगा. That's it. जीत बिल्कुल होगी, लेकिन कमी उसके लिए एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. और जब तक आप कमी एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, ना आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, ना आप बढ़िएगा. यही तो पर्सनैलिटी को लेकर कहा जाता है, जगह जगह कहा जाता है. एक सिंपल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपकी एक मिस्टेक लाइफ की. फॉर एग्जाम्पल, आप जो अपना जीवन जी रहे हैं, एक गलती, ठीक है, उस गलती पे आप लड़ते हैं अपना सही साबित करने के लिए. और जब तक लड़ते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं, आप उसी जगह पे स्थिर रहते हैं. यू आर स्टेबल एट दैट पॉइंट फाइटिंग टू प्रूव योर पॉइंट. यू आर लूजिंग अप ऑन द क्रूशियल टाइम, क्रूशियल एनर्जी एंड क्रूशियल थॉट्स. यस, द मोमेंट यू एक्सेप्ट द मिस्टेक, अगर मिस्टेक हुआ है, एक्सेप्ट कीजिए मिस्टेक, यू विल प्रोसीड अहेड, यू विल बिकम अ विनर. कमी ढूंढोगे तभी तो काम करोगे. और ये यही आर्टिकल कह रहा है कि स्टेट्स हो, सेंटर हो, लोकल बॉडीज हो, सबको ये काम, ये कमी निकालनी चाहिए अपने अंदर, तब जाके सब कुछ ठीक हो पाएगा. नहीं तो अगर अपनी कमियों को सही साबित करना शुरू कर दीजिएगा, तो पर्सनैलिटी ना आगे बढ़ेगी, ना देश आगे बढ़ेगा. इसीलिए एक UPSC एस्पिरेंट के अंदर भी कहा जाता है दैट जो भी कमियां हैं, पहले सर्च कीजिए. डोंट प्रूव दैट यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी. आप कमियां सर्च कीजिए, निकालिए कमियों को, और फिर उसके बाद हटाइए. UPSC एक नॉर्मल एग्जाम है, इट विल हैपन. ठीक है, आपका रैंक भी आ जाएगा टॉप में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जो अपनी लाइफ जीने जा रहे हैं, उसका इंटेंशन क्या है, उसका एम क्या है, यह डिफाइन होगा आपके इस स्टेप से. ठीक है, सो दिस इज इट. प्रोसीड आफ्टर सेंटर, स्टेट, लोकल, आफ्टर SWOT एनालिसिस, स्टेप शुड बी फॉर्मुलेटेड एंड सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडी शुड प्रोसीड विद कोऑर्डिनेशन. ये देखिए, तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही. एक सवाल बस यहां बनता है, ठीक है, एक सवाल यहां बनता है स्टूडेंट्स, एक सवाल यहां लिख लीजिए आप. डू यू एग्री दैट A competent leadership along with proper planning and effective governance. सवाल लिखे यहाँ पे, and effective, ठीक है, and effective governance. Do you agree that a competent leadership along with proper planning and effective governance can help us win the war over COVID-19? Give reasons to support your answer. Reasons ka matlab hai, aapko green revolution ka example dena hai. Give reasons to support your answer. Us samay leaders ka main bata raha hu, ek samay ka khana chhodna, इनके एक वक्त का, बस इसलिए कि देश सस्टेन कर जाए फूड में. इतना बड़ा सैक्रिफाइस सोचिए.
कितने लोग हैं जिनको हम लोग भूल चुके हैं, उसमें एक मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सनैलिटी। उसे कहते हैं लीडर जो सेक्रीफाइस करता है, त्याग करता है। तो डू यू एग्री दैट अ कॉम्पिटेंट लीडरशिप अलॉन्ग विद प्रॉपर प्लानिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस कैन हेल्प अस विन द वॉर ओवर COVID-19? गिव रीजंस, ठीक है, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। जरूर से कोट कीजिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन का समय। उस समय रेवोल्यूशन कहा जाता है उसे। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति। क्रांति से कम नहीं था, ठीक है, क्रांति से कम नहीं था उस समय, ठीक है। सेक्रीफाइस, त्याग देने, त्याग करने की क्रांति, देश को प्रगति के पथ पथ पे आगे बढ़ाने की क्रांति। यस, कौन कितना दे सकता है देश के लिए इसकी क्रांति, रेवोल्यूशन। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मेरा कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा देश को आगे बढ़ाने में, इसकी क्रांति, विदाउट टेकिंग द नेम दैट। अब ये नहीं पता है, देखिए भाई मैं बता दूं दैट अमेरिकन एड वगैरह जो आया हुआ है वो सी पोर्ट्स पे था, ठीक है। मुझे ये नहीं पता है कि किसके नाम पे आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, बट एज फार एज द कंसेप्ट इज कंसिडर्ड, गवर्नेंस टू गवर्नेंस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही ट्रांसफर होता है फॉरेन एड का। दैट्स इट, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप द सेशन वॉज सेशन आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक एंड टू शेयर द वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही स्टूडेंट्स, काफ़ी है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद। बी प्राउड टू बी इंडियन सिटीजन इन द कंट्री वेयर पर्सनैलिटीज लाइक मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री वॉज बॉर्न, ठीक है, हु कुड सेक्रीफाइस सो मच फॉर द कंट्री, ओके। इंटरव्यू कहानी कभी सुनाएंगे ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी ऐप, ठीक है। तो चलिए, ये काफ़ी आज के लिए स्टूडेंट्स, जरूर से अपना होमवर्क कीजिएगा। और ग्रेट निकोबार, और ये देखिए म्यूकोरमाइकोसिस, आई सपोज सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके। साउथ सूडान कहाँ पे है, चोम्पियंस कौन से लोग हैं, और ये लॉन्ग मार्च रॉकेट क्या है, आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है। मेरा एम यही रहता है कि जितना हो सके आपको एक न्यूज़ पे मैक्सिमम कवरेज दिया जाए। दैट्स इट, नमस्कार, जय हिंद। और आइए टेलीग्राम चैनल unacademy_anurag_singh पर, जहाँ पर मैं बताऊँगा आपको आगे का PDF पोस्ट करूंगा। यू कैन सी इट हियर, PDF पोस्ट यहाँ पे। मिलते हैं स्टूडेंट्स शाम को 7 बजे फिजिकल ज्योग्राफी फ्री स्पेशल क्लासेस। आई विल शेयर द लिंक अपॉन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आई विल एंड द सेशन नाउ।